गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपनी मैथ्स की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोग ने पिछली क्लास में सब एडिशन कर लिया था, आज हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे। पिछली क्लासेस में क्लास 2-3 में आप लोगों ने 1-2-3 में सब्ट्रैक्शन करना सीखा था। चलिए आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सब्सट्रैक्शन करना आपको आता है, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग फिर से जान लें। किसी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। किसी नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर मिलेगा, उससे एक पहला वाला नंबर। जैसे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 75 में से 1 माइनस करें तो 74। ठीक है ना। और किसी नंबर में से खुद को ही उसी नंबर को ही माइनस करेंगे तो हमें आंसर में 0 मिलेगा। आज हम लोग एक नए तरीके से सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे। जैसे ये देखो, एक्सप्लोरिंग सब्सट्रैक्शन, ये देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 258 माइनस 143 है। ठीक, अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे और हमें उसके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। तो 143 को हम लोग लिख सकते हैं 100, 40 और 3, मतलब 1s, 10s और 100 में लिख लिया हम लोगों ने। ठीक, अब 258 में से पहले हम लोग 100 माइनस करेंगे, 100 तो हो जाएगा 158। अब 158 में से 40 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 118। अब 118 में से हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 115, यानी कि 258 में से 143 माइनस करने पर हमें 115 मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सपेंड किया। इसी तरह हम लोग दोनों नंबर को एक्सपेंड करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी दो को हम करेंगे इसको। अब ये फर्स्ट, ये जो एक्सरसाइज 2.6 है, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। ये बुक में ही करना है आपको। ठीक है, जैसे 48 में से क्या नंबर माइनस करेंगे, हमें 48 में, हम जानते हैं कि किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वही नंबर मिलता है। 154 में से 0 माइनस हो रहा है तो हमें वही नंबर मिलेगा। ठीक है ना। वैसे 73 में से 73 माइनस, सेम नंबर माइनस होगा तो 0 मिलेगा ना। 56 में से माइनस 1 होगा तो हमें प्रीडिसेसर मिलेगा, इट मीन्स 55। ये क्वेश्चन जो है ये आपको इसमें करने हैं, बुक में करने हैं। अगला, स्प्लिट द स्मॉलेस्ट नंबर टू सॉल्व, ये जो अभी मैंने किया था इसी को करेंगे। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन दिया हुआ, मैं क्वेश्चन नंबर एक कर रहा हूँ इसका, 48 माइनस 18। देखो मैं यहाँ साथ में कर देता हूँ, 48 माइनस 18 हमें ये करना है ना। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो ये 10 और 8 हो गया, तो पहले 48 में से मैंने क्या माइनस किया, 10, तो क्या बचा, 38। अब 38 में से मैंने 8 माइनस किया तो क्या बचा, 30। तो आंसर 48 माइनस 18 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसको, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है जैसे मैंने किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी करेंगे और क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे, ये आप कॉपी पे करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर थ्री में भी मैं ए करके दिखाता हूँ और बाकी वही बी डी और एफ, ये आपको कॉपी पे करना है। ठीक है, तो मैं रिपीट करके दिखाता हूँ, 54 माइनस 43, दोनों नंबर को स्प्लिट करके 54 माइनस 43। ठीक, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ इस साइड, 54 माइनस 43, इसको स्प्लिट किया ये 50 और ये 4 हो गया। ठीक है, इसको स्प्लिट किया ये 40 और 3 हो गया। टेंस वाले में से टेंस को माइनस करेंगे, 50 माइनस 40 इट मीन्स 10, और वंस वाले में से 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बता देंगे कितना हो जाएगा, 11। तो 54 माइनस 43 कितना हो गया, 11। देखो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं, 896 माइनस 245। ठीक है, देखो अब इसको स्प्लिट किया हमने, ये 800 हो गया, ये 90 हो गया, ये 6 हो गया, ये 200 हो गया, ये 40 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो 800 में से पहले 200 माइनस कर दो तो हो जाएगा 600,
90 में से 40 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 50, और 6 में से 5 माइनस कर दीजिए हो जाएगा 1। अब इनको ऐड कर दीजिए, 651 हुआ। अब आंसर हो गया 896 में से 245 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 651। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।